फ्रेंड, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनना चाहता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या आध्यात्मिक, वह तरक्की करना चाहता है। हालांकि लोगों का ज्यादातर समय अतीत की उधड़ेपन या भविष्य की कल्पना में ही बीत जाता है। वे या तो स्मृति में उलझा रहता है या फिर मधुर काल्पनिक सपने देखते रहते हैं। इस कारण वर्तमान उनके साथ छूट जाता है, वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि जो घटित होता है वह वर्तमान में होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने वर्तमान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। पहला, स्वास्थ्य संपन्नता। सेकंड, शक्ति संपन्नता। थर्ड, शांति संपन्नता। हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, पर स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि व्यक्ति खास संयम का अभ्यास करे। यदि बिल्कुल खाना छोड़ दिया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, और खाता ही चला जाए तो जीना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खाना या नहीं खाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात है कि खाने को न खाने में विवेक रखना, कब क्या कितना खाना या जानकारी होना। जिसकी पाचन क्रिया कमजोर हो उसे अधिक सावधानी रखनी चाहिए। यदि वह ज्यादा खाता है, गरिष्ठ भोजन करता है, तो बार बार खाता है, तो फिर अच्छे स्वास्थ्य की आशा नहीं करना चाहिए। साधक के तौर पर भी इस पर और अधिक, कब क्या और कितना खाए। मनुष्य कमजोर भी रहना नहीं चाहता, वह शक्तिशाली बनना चाहता है। वास्तव में तो इंसान के भीतर अनंत शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। जरूरत यह है कि वह अनंत शक्तियां प्रकट हो। मनुष्य के पास सब कुछ है, ज्ञान शक्ति, चिंतन शक्ति, कर्म शक्ति आदि। यदि वह अपनी शक्तियों को जागरूक करे और सही दिशा में लगाए तो बहुत विकास कर सकता है। शांति संपन्न व्यक्ति वर्तमान में जीना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। वह कोई कार्य अपनी शक्ति श्रम विश्वास पर होता है। वह कोई कार्य अपनी शक्ति श्रम समय और सोच के समन्वय के साथ करता है, जिससे अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। मनुष्य शरीर से सबल बने ताकि रोग तनाव आदि उसे प्रभावित न कर सके। किंतु शरीर की ताकत से भी ज्यादा जरूरी है मनोबल, संकल्पना, संयम बल आदि। यदि व्यक्ति का मनोबल मजबूत है, वह दृढ़ संकल्पशील वाला है, तो संयम के प्रति उसकी गहरी निष्ठा है, तो क्या कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे वह न कर सके। व्यक्ति नई शक्तियों को जगाने का हर संभव प्रयास करे और अच्छे कार्यों का संकल्प ले तो अपने वर्तमान जीवन को अच्छा बना सकता है। जहाँ क्रोध है, लोभ है, झगड़ा है, असहिष्णुता है, वहाँ व्यक्ति की शांति नष्ट हो जाती है। जहाँ परिवार में कलह होता है, वहाँ शांति का वातावरण बन जाता है। अनेक लोग आते हैं, महाराज हमें केवल शांति चाहिए, आप कोई ऐसा मंत्र जिसे हम शांति मिल जाए। एक बार आचार्य तुलसी के पास अमेरिकी लोग आए, उन्होंने पूछा, आचार्य जी जीवन में शांति कैसे मिल सकती है। आचार्य जी ने कहा, अमेरिका तो धनवान राष्ट्र है, आपको सब तरह से साधन उपलब्ध है, फिर क्या शांति नहीं है। अमेरिका लोगों ने कहा, तब आचार्य तुलसी ने कहा, शांति की प्राप्ति भौतिक पदार्थ से नहीं, त्याग और संयम के विकास से होती है। लालसा की तेज धारा से बहने वाला व्यक्ति कभी शांति का दर्शन नहीं कर सकता, वह हर समय अशांति की आग में झुलसता रहता है। इस प्रकार स्वास्थ्य संपन्नता, शक्ति संपन्नता, शांति संपन्नता, तो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में सफल बन सकता है।